सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने गेमिंग चैनल में, जिसका नाम है गेम बॉय। और आज हम एक बार दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे ऑन अर्थ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने कुछ टास्क कंप्लीट किए थे, अपने घर के लिए कुछ चीज़ें बनाई थी, बॉक्स वगैरह, और हमने बनाया था एक डॉग क्रेट, जिसके अंदर हमने अपना प्यारा सा पपी रखा है और उसका नाम टार्जन है। ये देखो, ये है उसका डॉग क्रेट, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अपने जो ये पपी है ना, ये बड़े भी हो चुके हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर अपना पपी। और ये देखो भाई, पपी नहीं, अब ये पूरा एकदम एडल्ट डॉग बन चुका है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि अपनी साइड स्क्रीन पर कुछ टास्क आ रहे हैं, फिक्स द रेडियो। तो पहले हम इसी टास्क को कंप्लीट करेंगे, रेडियो को फिक्स करेंगे जो कि खराब है। देखते हैं उस रेडियो को ठीक करने से होगा क्या। बट रेडियो बनाने से पहले हमें नहाना पड़ेगा, क्योंकि अपने अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, आप जैसा कि देख सकते हो। इसीलिए नहाना ज़रूरी है, अपने आप को एकदम साफ सुथरा रखना है इस गेम के अंदर। तो नहाने के लिए अपने को शावर बनाना पड़ेगा। ऑल राइट गाइज, तो शावर हमें मिल चुका है, बट मैं बिल्ड का करूँ। एक काम करते हैं, अपने घर के अंदर ही बिल्ड कर देते हैं। नहीं यार, घर के अंदर ठीक नहीं रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे ना पीछे की तरफ बिल्ड करता हूँ, ताकि ये एक कोने में रहे अपना शावर। तो ये जगह एकदम परफेक्ट है अपना शावर लगाने के लिए। कहाँ गया भाई अपना शावर, अभी तो था। ये रहा शावर, और इसको बनाने की सारी आइटमें अपने पास है, लोग है, क्लॉथ है, तो जल्दी से इसे बिल्ड कर देते हैं। नाइस, तो अपना शावर एकदम रेडी हो चुका है। चलो भाई, चल के शावर के मज़े लेते हैं। और इस शावर के अंदर नहाने में सिर्फ अपना 2 बोतल ही पानी लगेगा। भाई क्या 50 लीटर की बोतल है क्या, सिर्फ 2 बोतल पानी लग रहा है। अपना मस्त नहाना धोना हो रहा है, और मज़ा भी आ रहा है अपने को नहाने में। एकदम साफ सुथरे बन जाएंगे हम नहा धो के, और अब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे। जोम्बी से फाइट करते करते अपने कपड़े भी फट चुके हैं, तो अब मैं बढ़िया कपड़े पहनूंगा, मैंने रखे हुए यार। ओके, तो अपने को मिल चुके हैं ये रेन फोर्स जीन्स। अपने पास रेन फोर्स बूट भी है, जैकेट भी है, और कैप भी है। तो मैं सारा सामान पहनूंगा, और मस्त ना अपना कि ये आर्मर टाइप है, इससे हम थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। बस अब अपने को जैकेट और शूज चाहिए, वो भी मैंने यही कहीं रखे। ओके, तो मिल गए, इन्हें जल्दी से हम वेयर कर लेते हैं। तो अब हम मस्त बढ़िया से नहा धो के तैयार हो चुके हैं, और अब करते हैं फिक्स द रेडियो। इस रेडियो को ठीक करने के लिए अपने को जो आइटम चाहिए थी, वो मैं सारी फिलअप कर देता हूँ। अपने पास बोल्ट्स है, ट्रांजिस्टर है, आयरन बार है, और डक टेप है, और अब करते हैं इसे फाइनलाइज। तो फाइनली गाइस, अपना जो रेडियो है वो रिपेयर हो चुका है, और इस रेडियो के थ्रू हम किससे बात कर सकते हैं। अभी तो कोई अपने रडार पे नहीं आया, ये कौन है भाई। भाई यहाँ पर ये सर्वाइवल अलग अलग बंदों के कुछ नाम आ रहे हैं, तो चलो इसे हम बाद में देखेंगे। तो खैर, अपना जो नेक्स्ट टास्क है, अपने को जाना है मोटल। मोटल में जाके अपने को क्या करना है, वो तो हमें वही जाकर पता चलेगा। तो लेट्स गो, चलते हैं मोटल। अब ये मैप कितना बड़ा हो गया है, और यहाँ पर अलग अलग लोकेशन भी आ गई है। और हाँ, अपने को मोटल जाना है, तो अपने को मोटल पहले ढूंढना पड़ेगा। भाई है किधर, ये तो नहीं है, ये लैम स्टोन्स है। यहाँ पर अपने को सारे लैम स्टोन्स ही मिलेंगे, ये भी नहीं है। इधर है का मोटल, ये तो नहीं है। यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ आ रहा है, ओ यस गाइस, यही है मोटल। और चलते हैं हम मोटल में। द
ध्यान ध्यान से आगे चलते हैं, क्योंकि आगे ना खतरनाक जॉम्बी हो सकते हैं और मुझे एक दिख भी रहा है। चुपके से जाकर पहले मैं इस जॉम्बी को मार देता हूँ। यहाँ पर और भी जॉम्बी हो सकते हैं, और भी है भाई। ये देखो ये कैसे आराम से खड़ा हुआ है। ओ, इसे पता चल गया। खैर एक काम करते हैं, इस कूड़ेदान के अंदर ना कुछ है, देखते हैं क्या है इस कूड़े के अंदर से अपने को क्या मिलेगा। है कूड़ेदान के अंदर से अपने को कूड़ा ही मिला। यहाँ पर एक ये पिकअप ट्रक खड़ा हुआ है, इसको हम ले जा सकते हैं क्या? नहीं। और ये है क्या भाई? ये तो एक सिलेंडर है, इसका क्या करेंगे? खाना वाना पकाना है क्या अंदर ले जाके? खैर मैं अंदर चलता हूँ मोटल के, और एक बार ना मैं पीछे चल के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक जॉम्बी है भाई, अपने को दिख गया है, इसे पहले ख़त्म करते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। और भाई ये गाड़ियों के टायर के निशान, कोई गाड़ी वाड़ी ठुकी है क्या यहाँ पर? पहले जॉम्बी को ख़त्म करते हैं। ओह ये भागता हुआ आ रहा है। ये देखो ये ठुकी हुई गाड़ी पड़ी है यहाँ पर, इस गाड़ी के अंदर कुछ है। इसके अंदर भी कुछ है, चेक कर लेते हैं। इसके अंदर से अपने को मीट और ये शायद कॉफ़ी बीन है, कुछ ऐसे ही है। और मैं ज़रा पीछे की तरफ भी देख लूँ। पीछे की तरफ तो कुछ भी नहीं है। और अब चलते हैं इस मोटल के अंदर, ये गेट को ओपन करते हैं। और ये देखो सामने एक जॉम्बी अपना ही वेट कर रहा है, तो इसको ख़त्म करते हैं पहले। चल भाई इसको ओपन करते हैं। भाई पंखा देखो, जॉम्बी पंखे की हवा खा रहा था सही मस्त बैठ के, और मैंने इस बेचारे को मार दिया। इस मोटल के अपने को सारे रूम चेक करने पड़ेंगे, क्या पता कोई मस्त लूट मिल जाए। तो इस अलमीरा में देखते हैं क्या है। यार कोई तगड़ी गन मिल जाए अपने को एक बार, सच में मैं भूत बना दूंगा इन जॉम्बियों का। इस तरफ भी दो तीन जॉम्बी खड़े हुए हैं, और इसने अपने को देख ही लिया। यार मैं इसके सामने था ना, अगर पीछे की तरफ होता ना तो ये अपने को देख नहीं पाता और हमें से किल कर देते। ये क्या है? अबे ये सिगरेट है, ये जॉम्बी सिगरेट भी पीते हैं क्या? और बियर कैन भी है भाई, पूरे अय्याश जॉम्बी है ये। और हम आगे कैसे जाएंगे? तो रास्ता ही बंद पड़ा है यहाँ पे, यहाँ पर अंदर जाना कैसे है? ओके गाइस, जो बाहर सिलेंडर पड़ा हुआ है ना, हमको वो यहाँ पर लाना है। और उसके बाद क्या करना है, शायद इस सिलेंडर को अपने को विस्फोट करना है, यानी कि इसे फोड़ना है, जिससे ये जो दरवाज़ा है ना, जो कचरा जमा है ये सारा हट जाए। इसको यहीं पर रखते हैं और अब गन से शूट करते हैं इसे। थोड़ी दूर जाके करूँगा मैं, कहीं पता चले सिलेंडर के साथ साथ हम भी फट गए। अपनी इन्वेंट्री में ना एक तगड़ा वेपन पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसी को यूज़ करते हैं। ये रहा वो वेपन, इस वेपन का नाम है सलासर। भाई कैसा होने वाला है वेपन, यूज़ करके ही पता चलेगा। दिखने में तो तगड़ा लग रहा है ये देखो भाई। तो इस वेपन से पहले तो मैं सिलेंडर को फाड़ता हूँ। ओ भाई इसके अंदर तो आग लग गई। ओ तेरी की भाई, ये वेपन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, मैं ज़ॉम्बियों पे यूज़ करता हूँ इनको। ओ भाई ये देखो, एक मार और ज़ॉम्बियों के अंदर आग लग रही है भाई, सही तगड़ा वेपन है ये तो।
इस सलासर वेपन से फाइट करने में मजा ही आ जाएगा। और जो भी है क्या यहाँ पर? आ जाओ भाई, मैं नहीं डरता तुमसे, कोई भी हो, तुम्हारा भूत बना दूंगा मैं। ये डोर नहीं खोल सकते हम, अभी अपना लेवल जो है कम है। यहाँ पर एक जोम्बी खड़ा हुआ है, पूरे जोम्बी देखो जोम्बन ने, ये देखो भाई कितना मोटा। बट वो ये क्या कर रहा है भाई? जोम्बी में आग लग गई भाई। वेपन तो सही है बट ये जोम्बी अपने पे हिप्नोटाइज कर रहा था, क्या कर रहा था अपने को समझ नहीं आई मुझे। ये गेट भी नहीं ओपन कर सकते अभी हम। कुछ तो है, ओके अपने को किसी को बचाना है यहाँ से। ये देखो कितने सारे जोम्बी, और ये देखो गेट तोड़ के ही आ गए। कितनी जल्दी है इन्हें लड़ने की, कहते हैं इन सबको मैं मार दूंगा, अपने पास चीरी थूच तगड़ी है। तो यहाँ से पहले थोड़ी लूटपाट कर लेते हैं हम। अब चलते हैं इस रूम के अंदर, बट यहाँ पर भी यू भाई कितना मोटा ज़ॉम्बी है। बट कोई नहीं, मार देंगे, ट्राई करते हैं। ओ इसकी आधी पावर गई, अब तो ये गया, अब तो तू गया बच्चू, नाइस। अबे ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? अबे बाहर तो आओ। अबे यार अपने को एक हैचर चाहिए, पहले इन्हें बाहर निकालेंगे फिर मारेंगे, ये सही है यार। अपने को हैचेट बनाने के लिए ब्लॉक्स और लाइमस्टोन लाने पड़ेंगे, तभी हम हैचेट बना सकते हैं। यहाँ पर ना हम किसी सर्वाइवल को बचाने के लिए आए हैं, बट अभी तो अपने को हैचेट बनानी है, तो अपने को लॉग्स और स्टोन इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये बैरी भी ले लेते हैं खाने पीने के लिए। हैचेट बनाने का अपने पास सारा सामान हो चुका है, एक हैचेट क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। अब चलते हैं उन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए। पहले मैं उन्हें बाहर निकालूंगा और उनके बाद मारूंगा सबको। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इन्हें आज़ाद कर रहा हूँ या इन्हें मार रहा हूँ, कुछ डिफरेंट ही है। चलो भाई सारे बाहर है भाई, कैसे अटैक कर रहे हैं कुत्ते की तरह मेरे ऊपर ये। मारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से। इस तरफ और भी ज़ॉम्बी कैद है, इन्हें भी बाहर निकाल के मारते हैं। सबको ख़त्म कर दूंगा, आओ कितने हो तुम, सबको मार दूंगा। हमने यहाँ पर एक एक चप्पा छान लिया, बट वो सर्वाइवल अपने को नहीं मिला जिसे हमें सेव करके यहाँ से ले जाना है। वो कहीं इस रूम के अंदर तो नहीं है जो बंद पड़ा हुआ है? बट इसे हम खोलेंगे कैसे? इसके लिए तो अपने को लेवल अप होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही यार। लेकिन एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर तो चेक करा ही नहीं। ये देखो इसे तो मैं ऐसे ही छोड़ के चला गया था, ये लॉक था। और ये देखो भाई ये लेटा हुआ, वो इसको क्या करना है मुझे? हेलो क्या हुआ तेरे को? ओके तो इसे बैंडेज लगानी है, ये घायल है। इन ज़ॉम्बियों के डर से यहाँ पर छुपा हुआ था, ये ज़ॉम्बियों ने पकड़ रखा था। खैर इसे उठाते हैं और ले चलते हैं अपने साथ अपने होम पर। चल भाई चल क्यों नहीं रहा, तुझे उठा कर ले जाना पड़ेगा क्या? अब चल रहा है ये। अबे पीछे होके भाग वरना कोई ज़ॉम्बी मिल जाएगा। ये क्या? ओ
भाई इसने इस गेट को खोल दिया। नाइस। तो इस अलमीरा के अंदर क्या हो सकता है? शायद कोई बढ़िया चीज ही होगी। ओ तेरी की, इसके अंदर से अपने कोई ग्रेनेड मिल गया। भाई ये ग्रेनेड तो मैं जरूर लूंगा, कोई चीज अपने को हटानी पड़ेगी। ये हैचेट हटा देते हैं। तो हम अपने घर पे वापसी आ चुके हैं और ये सर्वाइवल ना यहीं पर खड़ा हुआ है। शायद इसका कोई घर पर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसे यहीं पर रख लेते हैं। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Star.